क्या संघ लोकतंत्र को खत्म करके जमींदारी, राजशाही और सामंतशाही स्थापित करना चाहता है? क्या संघ अभिव्यक्ति की आजादी की जगह लाठी की आजादी स्थापित करना चाहता है? क्या संघ सेक्युलरिज्म और धार्मिक आजादी को छीनकर केवल ऊंची जातियों के मंदिरों में प्रवेश की नीति को स्थापित करना चाहता है? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़कम, स्वागत है आपका निशाना पर। बात करेंगे हम आज आरएसएस की, यानी कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अपने आप को यूं तो कहता है कि मैं एक सांस्कृतिक संगठन हूं। संघ की जो टेक्निक है उसको समझे बिना हम उसकी राजनीति को नहीं समझ सकते। संघ का हमेशा से ही गूढ़ उद्देश्य रहा है। इसमें कथित ऊंची जातियों के सक्षम पूंजीपतियों की सत्ता स्थापित करनी थी, जिसके लिए हिंदू धर्म का चोगा ही अंतिम विकल्प था। क्योंकि लोकतंत्र में एक दो जातियों की श्रेष्ठता साबित करके हम सत्ता में स्थापित नहीं हो सकते, इसीलिए उन्होंने अपनी जातियों को आगे बढ़ाने के लिए उस धर्म को चुना जिसमें उन्हें शीर्ष पर बने रहने की वैधता हासिल थी। यही कारण है कि संघ ने जाति से न लड़कर धर्म का रास्ता चुना। अब धर्म के राज की स्थापना के लिए जरूरी है कि सेकुलरिज्म जैसे शब्द को अप्रासंगिक बना दिया जाए। यही कारण है कि संघ की विचारधारा को मानने वालों ने सबसे अधिक निशाना बनाया, तो वो है सेकुलरिज्म शब्द। संघ के तमाम प्रचारकों, नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को सूडो सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म, फेक सेकुलरिज्म जैसी उपमाओं का प्रयोग करते हुए देखा होगा। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही टेक्निक काम करती है कि जितना जल्दी हो सके इस सेकुलरिज्म शब्द को अप्रासंगिक बना दिया जाए, उसकी जगह पर किसी धर्म का राज्य ही स्थापित होगा जिसमें कि वर्चस्व केवल अभिजात्यपूर्ण जातियों का होगा, जिससे संघ वास्तव में ताल्लुक रखता है। यही भाषा बबीता फोगाट और रंगोली चंदेल जैसों की रही है। अब आप इनकी भाषाओं के निहितार्थ आसानी से समझ सकते हैं और उस स्रोत को भी जिसने इनके दिमाग में डाला है कि सेकुलरिज्म शब्द इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, न कि किसी को लिंचिंग कर देना और जय श्री राम के नारे लगाकर किसी को मार देना। सेकुलरिज्म जो दुनिया के सबसे ब्राइट माइंड पीपल के मस्तिष्क से निकला एक ऐसा आइडिया है जिससे आधुनिक राज्य बिना धार्मिक संघर्ष के संचालित किए जा सकते हैं, लेकिन भारत में उसे मलाइन करने में संघ शुरू से ही लगा रहा। सेकुलरिज्म शब्द के अलावा दूसरा शब्द है वामपंथी। चूंकि संघ अपने कथित दाव में कथित हिंदू धर्म की लड़ाई लड़ने का दावा करता है, इसलिए हिंदुओं के ऐसे पढ़े लिखे लोगों को साफ करना मुश्किल था जो संघ के इस नफरत भरे एजेंडे में उनका साथ नहीं दे रहे थे। चूंकि संघ इन्हें मुसलमान भी नहीं ठहरा सकता था और न ही इन्हें ईसाई मिशनरी घोषित करके अपराधी साबित कर सकता था, इसीलिए संघ ने इन पढ़े लिखे हिंदुओं का सफाया करने के लिए वामपंथी शब्द को चुना और इस एक शब्द के खिलाफ इतना जहर बोना शुरू कर दिया कि आप वामपंथी शब्द सुनते ही नागरिकों को लगे कि किसी आतंकवादी के बारे में बात कर रहे हैं। पहली बार जब मैंने वामपंथी नाम का शब्द सुना तो मुझे ऐसा ही लगा कि ये नक्सली होते हैं, ये भारत को नहीं मानते, भारत के तिरंगे को नहीं मानते, भारत के संविधान को नहीं मानते, ये बूढ़ों को मार देते हैं, देश की सीमाओं को नहीं मानते। इस तरह बिना वामपंथ को जाने पढ़े मेरे मन में स्वाभाविक रूप से इनके प्रति एक घृणा आ गई। यही संघ का उद्देश्य है। अब जितनी नफरत आप में सेकुलरिज्म के खिलाफ है, जितनी नफरत आप में मुसलमानों के खिलाफ है, जितनी नफरत आप में ईसाई मिशनरियों के खिलाफ है, उतनी ही नफरत आप में इन हिंदुओं के पढ़े लिखे वर्ग के लिए रहेगी जो संघ के झूठ में संघ के साथ नहीं है। अब संघ के लिए हिंदुओं के उस वर्ग को हटाना आसान हो गया है जो संघ की नफरत में उसके साथ नहीं है। अब संघ वामपंथी कहकर हिंदुओं का सफाया भी कर सकता था,
और आपको ये लगेगा कि संघ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहा है। इस प्रोपेगेंडा का प्रतिफल ये निकला कि आपको संघ के समर्थक ये कहते हुए मिल जाएंगे कि हिंदुओं के असली दुश्मन हिंदुओं का ये पढ़ा लिखा वर्ग ही है। इस देश को सबसे ज्यादा खतरा तो इन पढ़े लिखे लोगों से ही है, शायद इसीलिए वो यूनिवर्सिटियों पर हमले करते हैं। यकीन मानिए, संघ देश के एक बड़े हिस्से के मन में ये भी स्थापित करने में कामयाब रहा है कि ज्यादा पढ़े लिखे होना ही इस सदी का सबसे बड़ा अपराध है, जो कि पढ़ लिख कर हमको नहीं करना है। संघ नागरिकों के एक बड़े वर्ग में ये भी स्थापित करने में कामयाब रहा है कि कथित हिंदू हितों के लिए कुछ हिंदुओं का सफाया करना भी पड़े तो देश हित में ये भी किया जा सकता है। यही कारण है कि संघ बाकी के मुकाबले वामपंथियों को सबसे ज्यादा निशाने पर रखता है। संघ की ये पुरानी टेक्निक रही है, जिससे ये वैचारिक रूप से मुकाबला नहीं कर पाते, उनको बदनाम करके अपनी प्रासंगिकता को साबित करने की कोशिश करते हैं। जैसे इनके पास गांधी और नेहरू के मुकाबले के स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, इसीलिए इन्होंने गांधी और नेहरू को बदनाम करना शुरू कर दिया, क्योंकि लोग ये ना पूछे कि आजादी के समय में संघ क्या कर रहा था। इसीलिए उन्होंने नेहरू के बारे में भ्रामक प्रचार करना शुरू कर दिया कि नेहरू का तो एडविना के साथ संबंध था और गांधी बच्चियों के साथ सोते थे। दूसरे व्यक्ति को अप्रासंगिक बनाकर अपनी प्रासंगिकता साबित करना एक सर्वकालिक युक्ति रही है। यही संघ ने किया है और इसमें कुछ मेहनत भी नहीं लगती। इसका नतीजा ये निकला कि गांधी और नेहरू को बिना पढ़े लोग संघ की तरफ देखेगा ही देखेगा, और अब वो ये प्रश्न भी नहीं करेगा कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय आप लोगों के पास गांधी और नेहरू जैसे नेता क्यों नहीं थे। नेहरू और गांधी जैसा श्रेष्ठ बनना मुश्किल था, बल्कि नेहरू और गांधी को बदनाम करना सरल था, और यही रास्ता संघ ने अपनाया। इसी प्रकार संघ ने हमारी भाषा में लोकतंत्र के नाम पर, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, और ले लो आजादी और आजादी गैंग जैसे शब्द जोड़े। आप अब आसानी से समझ सकते हैं कि संघ ने न केवल लोकतंत्र जैसे मूल्य को अप्रासंगिक बनाया, बल्कि अभिव्यक्ति की आजादी और मानवाधिकारों को भी बेकार की बातें साबित करने में एक हद तक सफलता पाई है। आप आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोकतंत्र अगर अप्रासंगिक होगा तो राजशाही का आधुनिक रूप लागू करना कितना आसान होगा। यही संघ की इच्छा है और यही संघ कर रहा है। अब आप सोचिए, सेकुलरिज्म जैसा शब्द जो सभी धर्मों के लोगों को जीने की आजादी देता है, अभिव्यक्ति की आजादी जैसा शब्द आपके मेरे और सबके बोलने की आजादी देता है, लोकतंत्र जो हम सबको स्वतंत्रता देता है, इन शब्दों को खोकर हम क्या पाने जा रहे हैं? हमारे लोकतंत्र, हमारे बोलने की आजादी और हमारी स्वतंत्रता को खत्म करके कोई हमें क्या देना चाहता है? क्या संघ लोकतंत्र को खत्म करके जमींदारी, राजशाही और सामंतशाही स्थापित करना चाहता है? क्या संघ अभिव्यक्ति की आजादी की जगह लाठी की आजादी स्थापित करना चाहता है? क्या संघ सेकुलरिज्म और धार्मिक आजादी को छीन कर केवल ऊंची जातियों के मंदिरों में प्रवेश की नीति को स्थापित करना चाहता है, जिसमें वेद पुराण और उपनिषद पढ़ने की आजादी सिर्फ ऊंची जातियों को होगी? जवाब ढूंढिए, मिलेंगे, उतने मुश्किल भी नहीं है।